मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं इस चैनल पर कुछ बच्चों के द्वारा क्लैट के बारे में, एलएलबी करने के बारे में पूछा गया है, इस बारे में सारी जानकारी देने जा रहा हूं। पेरेंट्स ने भी पूछा है साहब, हम बच्चे को लॉ कराना चाहते हैं, इसका क्या स्कोप है, अपॉर्चुनिटी है? तो वकील बनने के लिए या अन्य जॉब प्राप्त करने के लिए एलएलबी के बाद कैसे आप क्या कर सकते हैं, वीडियो इम्पोर्टेंट है, शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो में दी गई जानकारी शुरू से अंत तक सुनने के बाद आपकी सारी स्थिति समझ में आएगी। एलएलबी जैसा आप सुनते हैं, 5 साल 12th कंप्लीट करने के बाद क्लैट का कई जगह एग्जामिनेशन होता है, कई जगह डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है कुछ कॉलेजेस में। उसके अलावा ग्रेजुएशन करने के बाद 3 साल का, चाहे वो बीए, बीकॉम, एलएलबी, तो वो एलएलबी आप कर सकते हैं। एलएलबी बैचलर ऑफ लॉज कहलाता है। और दोस्तों एलएलबी एक कानून की पढ़ाई है। इसमें आप एलएलबी करने के बाद, प्रायः पुराने लोग जो थे पिछले समय में, वो ऐसा मानते थे कि वकील ही बनेगा। आजकल बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप अपना कैरियर संवार सकते हैं। आज का कॉरपोरेट युग है, कॉरपोरेट बैंक में लॉयर बन सकते हैं आप, सरकारी विभाग में भी काफ़ी ऑप्शन उपलब्ध हैं, कहीं लॉ ऑफिसर है। इसके अलावा आप एपीपी बन सकते हैं, गवर्नमेंट लीडर बन सकते हैं। इसके अलावा आप जुडिशरी में जा सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस हैं। तो आप एलएलबी यदि करना चाहते हैं तो या तो क्लैट के थ्रू 12th पास करने के बाद, या फिर 3 साल का एलएलबी ग्रेजुएशन के बाद आप बच्चे कर सकते हैं। इस बात को आपको जानना चाहिए। और मेरा ऐसा सुझाव है कि अब चूंकि वर्तमान युग में काफ़ी ग्लोबलाइजेशन का युग है, कंप्यूटर लैपटॉप का युग है, सारी जानकारी बच्चों को होती है, ऐसी स्थिति में कम से कम एलएलबी करने के बाद पहले एलएलबी कर लें। इसके बाद एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन होता है, चाहें तो उसमें रजिस्ट्रेशन भी करा लें। 1-2 साल किसी सीनियर के साथ अवश्य कार्य सीखें, जिससे कोर्ट की प्रक्रिया तथा कानून की बेसिक जानकारी आपको हो जाए। तो फिर किसी जॉब में यदि आप जाते हैं, चाहे वो लॉ ऑफिसर का हो, बैंक का हो, कॉरपोरेट कंपनी का हो, एपीपी बने आप, जुडिशल ऑफिसर बने, या अन्य कोई कार्य करें, या पॉलिटिशियन भी आप बनते हैं, तो भी आपको काफ़ी जानकारी हो जाएगी। लॉ फर्म वगैरह में भी काफ़ी एक्सपीरियंस लोगों को लिया जाता है, कैपेबिलिटी जिससे आपकी बढ़ेगी धीरे धीरे। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा, इंडिपेंडेंट आपको कॉन्फिडेंस बढ़ने के कारण आप अच्छे से इस फील्ड में काम कर सकेंगे। तो अब मैं मुख्य तौर पर आपको कुछ बातें बताता हूँ। एलएलबी की जो परीक्षा है वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में होती है, लेकिन अंग्रेजी माध्यम की जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। दूसरे, ये मेहनत का एक पेशा है, इसमें कोर्ट ऑफिसर माना जाता है एलएलबी करने के बाद। और 2 साल कम से कम, जैसा मैंने अभी सुझाव दिया, प्रैक्टिस अवश्य करें, जिससे आपको पूरी बेसिक प्रक्रिया, प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रोसीजर वगैरह कोर्ट का पता लग जाए। बैंक में आप लीगल एडवाइजर बन सकते हैं, कॉरपोरेट में जा सकते हैं, छोटी बड़ी कंपनी आपको जो है, मल्टीनेशनल कंपनी आपको कैंपस से सिलेक्शन करके हायर पर ले जा सकती है। इसके अलावा आप असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं सेक्शन 25 सीआरपीसी के अंतर्गत। आप सेक्शन 24 के अंतर्गत 5-7 साल की वकालत हो जाने पर आप गवर्नमेंट प्लीडर बन सकते हैं, हाईकोर्ट में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप जुडिशियल ऑफिसर बन सकते हैं, ये पीएससी के थ्रू एग्जामिनेशन निकलता है, कहीं कहीं किसी राज्य में हाईकोर्ट भी इसको कंडक्ट कराता है। इसमें मेंस होता है, प्रीलिम्स होता है और इंटरव्यू होता है। जुडिशियल ऑफिसर एक गरिमामय सेवा है, गौरव इसको समाज में दिया जाता है, उच्च स्तर का ये पद रहता है। आप सिविल जज से लेकर और हाईकोर्ट के जज तक प्रमोशन द्वारा आप पहुंच सकते हैं। इसके अलावा एलएलबी कोर्स में आप पोस्ट ग्रेजुएशन एलएलएम कर सकते हैं, मास्टर ऑफ लॉज कर सकते हैं। मैंने स्वयं भी रिटायरमेंट के बाद एलएलएम की उपाधि ली है। और आप व्याख्याता, लेक्चरर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, एचओडी बन सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो ऑप्शन है वो सभी मैंने आपको बताया। या तो आप वकील बन जाइए, या आप लॉ ऑफिसर बन जाइए, या कॉरपोरेट में चले जाइए, लॉ फर्म में चले जाइए। इसके अलावा आप असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं, इसके अलावा आप जुडिशियल ऑफिसर बन सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिविल कोर्ट से लेकर आप लोअर टू सुप्रीम कोर्ट तक पैरवी कर सकते हैं, आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में बन सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन और है जो आम जनता को मालूम होना चाहिए, आप विधायक भी बन सकते हैं, आप सांसद भी बन सकते हैं, क्योंकि विधायिका का कार्य स्टेट में लेजिस्लेचर कानून बनाना है, जबकि सांसद जो भी हैं पार्लियामेंट के, वो भी कानून बनाते हैं, लोकसभा राज्यसभा वगैरह में रहते हैं। तो कानून बनाने की प्रक्रिया का जब आपको ज्ञान होगा, तो आप अच्छे कानून को बनाने में
ये आपको सारा ऑप्शन उपलब्ध है। तो इस तरह मैंने आपको LLB की करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, LLB आप करने के बाद आफ्टर LLB क्या क्या कर सकते हैं, इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। यथासंभव मेरा ऐसा मानना है कि आपकी समझ में बात आई होगी, क्योंकि बच्चों के द्वारा प्रायः पूछा जाता है सर क्लेट कर लें, LLB कर लें, आगे हमारा क्या स्कोप अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो इस चैनल से जो लोग नहीं जुड़े हैं वो कृपया जुड़ जाएं। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी YouTube पर एक चैनल है, कृपया उसे भी देखिए और अपने करियर को संवारिए। आजकल अच्छा स्कोप है, ग्लोबलाइजेशन का युग है और प्रत्येक व्यक्ति को भारत का कानून जानना ही चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। तो एवरी पर्सन शुड नो द लॉ ऑफ द लैंड, और जैसा सुप्रीम कोर्ट है तक है, वहां की जो रूलिंग हैं, जो भी आते हैं साइटेशन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, वो बंधनकारी प्रभाव रखते हैं। और ये अच्छी सेवा है, सेवा के रूप में इसको, सामाजिक कल्याण के रूप में आप LLB को करने के बाद लोगों का बहुत अधिक भला भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं रिटायर होने के बाद छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से लोगों की कानूनी जानकारी को बढ़ा रहा हूँ। कानून हर व्यक्ति को जानना चाहिए, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, अर्थात कानून मैं नहीं जानता ये अनविज्ञता का बहाना आप लेकर नहीं बच सकते। तो हर व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। और ये जानकारी आपको कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ से। लगभग 42,500 मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मैं हृदय से सभी सब्सक्राइबर का तथा देखने वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वीडियो में यहीं तक, नमस्कार।